जो उस पर इन्हें चार्जेस लगाए थे वो ये प्रूव नहीं कर सके, इसलिए वो पब्लिक में जाना चाहता है क्योंकि लोग फैसला करें कि वो कुर्सी का भूखा नहीं रहा, मुझे कुर्सी छोड़ दी, जब उसको अभी बहुत वक्त था पर नहीं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। उनको पॉलिटिकली विंडिक्टिव वे से उनको हैरस किया, अरेस्ट किया, अभी वो जनता की दरबार में वो जस्टिस मांगेंगे। केंद्रीय एजेंसीज तो बीजेपी के ही ऑफिस से चलती है, और अगर आप देखें तो जो अरविंद केजरीवाल साहब है निडर है, ये उनका निर्णय है वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं या वहाँ पे क्या होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है। देखिए ये उनका अपना फैसला है, मैं तो नहीं कहूँगा, सीएम का पद महत्वपूर्ण होता है, एक एक इस पे काम करना चाहिए। वो चाहता है कि न इलेक्शन आए दिल्ली में, कि वो लोगों के पास फिर जाए और लोग हैं जो बनाएंगे और गिराएंगे, जो उस पर चार्जेस लगाए थे वो ये प्रूव नहीं कर सके, इसलिए वो पब्लिक में जाना चाहता है क्योंकि लोग फैसला करें, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो कुर्सी का भूखा नहीं रहा, उसने कुर्सी छोड़ दी, जब उसको अभी बहुत वक्त था पर नहीं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे लोगों का एतमाद चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है जमहूरियत। केजरीवाल जो कह रहे हैं उसको किस तरह देखते हैं कि दो दिन में, ये उनका निर्णय है वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं या वहाँ पे क्या होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है, राजनीतिक जो भी चैलेंज आएगा उसका डटकर मुकाबला करेंगे, हर राज्य में जाए, हरियाणा कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे, और दिल्ली में जो भी निर्णय होगा उसको मजबूती से कांग्रेस पार्टी से आगे लड़ेगी। केंद्रीय एजेंसीज तो बीजेपी के ही ऑफिस से चलती है, और अगर आप देखें तो जो अरविंद केजरीवाल साहब है निडर है, एक निडर लीडर है, और वही बिना डरते हुए आज लड़ते हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही सिसोदिया जी है हमारे यहाँ, सूरज चव्हाण अभी भी अंदर है लेकिन वो भी लड़ रहे हैं, अनिल देशमुख जी हो, संजय राउत जी हो, जो जो लड़ रहे हैं देश के लिए वो बिना डरे हुए दिखा रहे कि उनकी भी जो सीना है वो भी काफी मजबूत है। केजरीवाल जी का जो स्टेटमेंट है हम लोग सुना है, केजरीवाल जी को विंडिक्टिव तरह से अरेस्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो अभी नवम्बर महीने में दिल्ली का इलेक्शन ड्यू है, तो इलेक्शन का क्या है, डेढ़ महीना दो महीना अभी सामने है, उसके ऊपर वो एक पॉलिसी डिसीजन, उनका खुद का डिसीजन वो अनाउंस किया है, हम लोग सुना है। उन्होंने कहा मेरा मनोबल गिराने के लिए हमें अरेस्ट किया गया, उनको पॉलिटिकली विंडिक्टिव वे से उनको हैरस किया, अरेस्ट किया, अभी वो जनता की दरबार में वो जस्टिस मांगेंगे, और सामने इलेक्शन भी है, इसीलिए उनका जो स्टेटमेंट है हम लोग सुना है। देखिए ये उनका अपना फैसला है, मैं तो नहीं कहूँगा, सीएम का पद महत्वपूर्ण होता है, एक एक दिन इस पर काम करना चाहिए, एक एक दिन जनता की सेवा करनी चाहिए।